आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। सूर्य की ओर उड़ चला आदित्य। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग के 10वें दिन शनिवार को फिर से इतिहास रच दिया। देश के पहले सूर्य अभियान आदित्य L1 का श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से सफल प्रक्षेपण किया गया। PSLV C-57 रॉकेट के एक्सल वर्जन से आदित्य L1 को सुबह 11:50 पर प्रक्षेपित किया गया। यह मिशन सूर्य से संबंधित रहस्यों से पर्दा हटाने में मदद करेगा। मोदी और बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। नरेश गोयल को 11 तक ईडी की हिरासत में भेजा। चंद्रयान 3 चांद पर रोवर प्रज्ञान को विश्राम दिया गया। एक देश एक चुनाव की समिति में अमित शाह गुलाब नबी शामिल। तो सरकार ने एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर शनिवार को 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति अधिसूचित कर दी। उपनल कर्मचारियों का मानदेय 10% बढ़ाने की सिफारिश। तो उपनल कर्मचारियों के मानदेय में एक और बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार के निर्देश पर उपनल प्रबंधक ने वर्तमान मानदेय में 10% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। बलासोर हादसे में 3 रेल अफसरों पर चार्जशीट। तो CBI ने 2 जून के बलासोर ट्रेन हादसे के मामले में गिरफ्तार रेलवे के 3 अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। डिग्री प्रमाण पत्रों पर आधार नंबर नहीं लिख सकेंगे। तो विश्वविद्यालय किसी भी छात्र की डिग्री और अंतिम प्रमाण पत्रों पर उसका आधार नंबर नहीं लिखेंगे। दून लखनऊ के बीच वंदे भारत चलाने का खाका तैयार। तो सांसद अनिल बलोनी की सिफारिश के बाद मंडल में एक और वंदे भारत चलाने की तैयारी है। यह ट्रेन लखनऊ से देहरादून के हर्रावाला स्टेशन के बीच चलने की संभावना है। जलवायु गर्म होने से भारत की 1/3 आबादी संकट में होगी। तो जलवायु की गर्म होने के कारण आने वाले दशकों में भारत में भूजल की कमी की दर 3 गुना हो जाएगी। एक अध्ययन में दावा किया गया है कि भूजल की कमी से संकट और गहराएगा। इस कारण 1/3 आबादी की आजीविका खतरे में पड़ सकती है। आचार संहिता के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई। तो DM सोनिका ने कहा कि 5 सितंबर से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आचार संहिता लगाई जाएगी। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बताया थाना प्रभारियों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। पटाखों पर लगाया प्रतिबंध। तो जारी प्रेस नोट के माध्यम से DM ने बताया कि विधानसभा सत्र के दौरान 300 मीटर की परिधि में धरना प्रदर्शन करने वाले संगठनों को रोका जाएगा। संगठन की ओर से प्रयोग में लाई जाने वाली लाठी डंडे शस्त्र को प्रतिबंधित किया जाएगा। एक स्थान पर 5 लोगों को एकत्रित पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। सड़कों एवं घर के आंगन में पटाखे के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। आदिवासी महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया, 10 लोग गिरफ्तार। तो राजस्थान के प्रतापगढ़ में मणिपुर की तरह महिला से दरिंदगी का मामला सामने आया है। यहाँ धरियावद में 6 माह की गर्भवती आदिवासी महिला को निर्वस्त्र कर गांव वालों के सामने 1 किलोमीटर तक घुमाने का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि आरोपी पति समेत 10 को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 1 नाबालिग हिरासत में है। रुद्रपुर में युवती से सामूहिक दुष्कर्म। तो जिले के एक गांव में मानसिक रूप से कमजोर युवती से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित के पिता ने ग्राम प्रधान सहित 3 लोगों के खिलाफ राजस्व पुलिस की तहरीर दी है। राजस्व पुलिस ने मामला रेगुलर पुलिस को स्थानांतरित कर दिया है। 23 अगस्त को युवती गाय चराने के लिए जंगल गई थी। आरोप है कि वहाँ ग्राम प्रधान के साथ एक स्थानीय और एक नेपाली मूल के व्यक्ति ने उससे सामूहिक दुष्कर्म किया। गढ़वाल विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसलिंग ने मेरिट के आधार पर प्रवेश को दी मंजूरी। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय को CUET के बाद खाली सीटों को भरने की चिंता है। विश्वविद्यालय ने एकेडमिक काउंसलिंग की बैठक में रिक्त सीटों पर बिना CUET मेरिट के आधार पर प्रवेश दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूर्य साधना श्री हरिकोटा चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतारने के बाद भारत ने आदित्य L1 मिशन के सफल प्रक्षेपण के साथ सूरज की तरफ लंबी छलांग लगा दी है।
सहधारा की या चूना पत्थर गुफाओं के या चूना पत्थर गुफाओं में छिपे जलवायु के राज। तो सहधारा का नाम न सिर्फ प्रमुख पर्यटन स्थल में शामिल है बल्कि इसकी विशेष भू संरचना और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ की चूना पत्थर की गुफाओं में हजारों साल पुरानी जलवायु के राज छिपे हैं। यह महत्ता को देखते हुए वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान ने सहधारा को भू हिरासत का दर्जा दिया है ताकि सहधारा में चूना पत्थर गुफाओं का संरक्षण किया जा सके। उद्योगों को तैयार 6000 एकड़ लैंड बैंक। तो मुख्यमंत्री धामी ने वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लोगों व वेबसाइट का किया लोकार्पण। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति 75 शिक्षकों को करेंगे सम्मानित। बेकाबू हुआ डेंगू, दो की मौत। तो लाख कोसों के बावजूद राजधानी दून में डेंगू का नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। सैटरडे को जहां डेंगू के 8 नए मामले सामने आए वहीं 2 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार डेंगू से जिन मरीजों की मौत हुई वे जॉली ग्रांट व कैलाश अस्पताल में भर्ती थे। ड्रोन डिफेंस सिस्टम से और मजबूत होगी सुरक्षा। मसूरी गोलीकांड की बरसी पर बलिदानियों को याद किया गया। कोविड कर्मचारी 6 को करेंगे विधानसभा कूच। पुरानी पेंशन वाले कर्मियों का ब्यौरा 12 तक मांगा, ऑनलाइन दे सकेंगे नेतदान की शपथ। एनडीए और सीडीएस की परीक्षा आज होगी। तो भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शिता को लेकर के नोडल अधिकारी परीक्षा अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राम जी शरण शर्मा ने रविवार को होने वाली एनडीए और सीडीएस की परीक्षा की तैयारियों की को लेकर बैठक की। उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए। विधानसभा के 300 मीटर दायरे में धारा 144 लगेगी। डेंगू दून अस्पताल में सारे बेड फुल, नया वार्ड बनाया। तो दून अस्पताल की इमरजेंसी में सुबह 10 बजे काफ़ी भीड़ लग गई। डेंगू के संदिग्ध एवं रैपिड पॉजिटिव करीब 7 मरीज वार्डों में शिफ्ट नहीं हो सके। डेंगू के लिए आरक्षित सभी 100 बेड फुल हो गए हैं। इमरजेंसी प्रभारी डॉक्टर मुकेश उपाध्याय ने इसकी सूचना अफसरों को दी। हरिद्वार से प्लेटलेट्स लेने दून पहुंच रहे हैं तीमारदार। डीएम के छात्रों को पूरी बाजू की वर्दी में बुलाने के निर्देश। तो डीएम सोनिका ने शनिवार को डेंगू मरीजों से मनमानी को लेकर के सभी अस्पतालों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठक ली। वहीं खबर देहरादून से किशोर की मौत पर अस्पताल में हंगामा किया। डेंगू से 5 दिन पहले मौत लेकिन रिपोर्ट अब मिली। तो डेंगू से मौत के मामले में निजी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य विभाग के बीच समन्वय ठीक नहीं है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का राज्य सम्मेलन 24 को होगा। जहाँ से गुजरेगा निवेशकों का काफिला वहाँ बदल जाएगी सड़कों की रंगत। तो वैश्विक निवेशक सम्मेलन से पहले बदलेगी दून की सूरत, इसके लिए 30 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। शराब तस्करी अवैध खनन रोकने के लिए मजबूत कवच का इंतजार है। राशन गड़बड़ी की शिकायत वाद के रूप में होगी दर्ज, 90 दिन में कार्रवाई। तो प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के राशन कार्ड धारक राशन में गड़बड़ी पर शिकायत निवारण अधिकारी और आयोग में शिकायत कर सकते हैं। पुरोला के टॉन्स प्रभार की सभी रेंज की होगी जांच। ट्राई साइकिल का किराया नहीं देने पर कर दी हत्या। चमोली में हुआ अधिक नुकसान। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिले का हवाई सर्वे कर हालातों का जायजा लिया। प्रदेश में एक दिन में खुली मात्र 5 सड़कें। तो मानसून के तेवर ढीले पड़ते ही प्रदेश में सड़कों को खोलने की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। बागेश्वर बीच गई बिसात, अब शुरू होगी सह और मात। तो उपचुनाव का प्रचार रविवार को थम जाएगा। प्रचार के अंतिम चरण में दोनों दल भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। शनिवार को सीएम पुष्कर सिंह ने जिला मुख्यालय और गरुड़ में रोड शो किया। रविवार को सीएम विधानसभा क्षेत्र के काफलीगेर में जनसभा को संबोधित करेंगे। डेंगू ने बढ़ाई चिंता, अब तक 3 मरीजों की मौत। और जिले में डेंगू की रफ्तार बढ़ने के साथ ही मरीजों की मौत का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सैकड़ों मरीजों का सरकारी और निजी अस्पतालों में चल रहा है इलाज। डेंगू के 8 और नए मरीज मिले, दो मरीजों की डेंगू से मौत हो गई। प्लेटलेट्स की कमी पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र चिंतित हुए।
दून व हरिद्वार में पर्याप्त प्लेट्स नहीं हैं, 24 घंटे चल रही ब्लड बैंक की मशीन नहीं पूरी हो पा रही है प्लेट्स की मांग, 40 लाख खर्च फॉगिंग का पता नहीं, तो फॉगिंग और दवा के छिड़काव के लिए लोगों को करना पड़ रहा है धरना प्रदर्शन। वीरमानी की जमानत अर्जी खर्च मुंशी के साथ रिमांड में, तो रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी का मामला, वीरमानी और मुंशी से आमने सामने बिठाकर होगी पूछताछ। जब तक विधानसभा सत्र लागू रहेगी धारा 140, तो 300 मीटर की परिधि में लागू रहेगा नियम, डीएम ने निर्देश दिए हैं। दून में क्रिकेट का रोमांच, महिला खिलाड़ी दिखाएंगी दम, तो 18 सितंबर से शुरू होगी महिला उत्तराखंड प्रीमियर लीग। मेरिट के आधार पर प्रवेश को एकेडमिक काउंसलिंग की मंजूरी, तो हेमंती नंदन, बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की सीयूटी के बाद खाली रह गई सीटों को भरने की चिंता है। प्रदेश के 189 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की सीबीएसई से समानता हो सकती है समाप्त, तो प्रदेश के 189 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की सीबीएसई से समानता समाप्त हो सकती है। सरकार की इन स्कूल को अब पुरानी व्यवस्था पर चलाए जाने की तैयारी है। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों के 333 पद खाली, तो प्रदेश के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों के 333 पद पिछले 2 साल से खाली हैं। इनमें प्रवक्ताओं के 243 और एलटी सहायक अध्यापक के 90 पद खाली हैं। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन के मुताबिक इन विद्यालयों के लिए जिस तरह के शिक्षक चाहिए उस तरह के मिल नहीं पा रहे हैं। वाटर स्पोर्ट्स कप के लिए ट्रायल शुरू, तो टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप के खिलाड़ियों का टिहरी बांध जलाशय कोटी कॉलोनी में ट्रायल शुरू हो गया। टिहरी बांध में जलाशय कोटी कॉलोनी में 14 से 17 सितंबर तक 4 दिवसीय टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप का आयोजन किया जाएगा। आरटीई निजी स्कूलों में कोटे की 25 सीटें पर दाखिले के लिए 5 को निकलेगी लॉटरी। बड़ी शहादत में से मिला उत्तराखंड ना भूलें हैं और ना भावी पीढ़ी को भूलने देंगे, तो मसूरी गोलाकांड के शहीदों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी। पहाड़ी शैली में होगा सिटी जंक्शन मॉल का कायाकल्प, तो ऋषिकेश में योग की पद्मासन मुद्रा में आकार लेगा यूनिटी मॉल। युवती से दुष्कर्म आरोपी अब कर रहा ब्लैकमेल, तो देहरादून से खबर है, एक युवती से 3 साल तक युवक ने दुष्कर्म किया, अब आरोपी उसे ब्लैकमेल कर रहा है। पीड़िता से पहली बार जब दुष्कर्म किया गया तब वह 9वीं कक्षा की छात्रा थी। युवक अब उसकी अश्लील फोटो इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी दे रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। रामविलास की जमानत 3 सप्ताह और बढ़ी। रुड़की की बेटी ने यूपी में जज बनकर बढ़ाया मान। गढ़वाल विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसलिंग ने मेरिट के आधार पर प्रवेश को दे दी है मंजूरी। चित्रकला में नंदिनी और निबंध में अर्सी अव्वल रहे। उत्तराखंड के डॉक्टर कुलदीप आदित्य मिशन में निभा रहे हैं भूमिका। एक छत के नीचे ज्ञान कला और संस्कृति की त्रिवेणी, तो लंच डाउन चौक पर स्थित 4 मंजिला दून लाइब्रेरी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 12.20 करोड़ में हुई तैयार। गढ़वाल विश्वविद्यालय और समानता कॉलेजों में मेरिट के आधार पर प्रवेश का रास्ता हुआ साफ। एसजीआरआर विश्वविद्यालय में जुटे देश विदेश के योग साधक। उत्तराखंड से खेलेंगी J&K की साजिया, तो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने बतौर गेस्ट प्लेयर जासिया अख्तर को टीम में किया है शामिल। विश्वविद्यालयों की समानता अधिकार मिलने से छात्रों को राहत मिली। हिमालय बचाओ अभियान, तो जलवायु परिवर्तन से हिमालय की जैव विविधता को बड़ा खतरा है। हिमालय बचाओ अभियान का हिस्सा बना केंद्रीय विश्वविद्यालय। नदी नाले किनारे खतरनाक भवनों को लेकर के प्रशासन लापरवाह, तो उत्तराखंड में नदी नाले के करीब 20,000 अवैध भवन बने हुए हैं। उत्तरांचल विश्वविद्यालय में पुस्तक का विमोचन किया गया। कोर्ट ने ठुकराई अधिवक्ता की जमानत अर्जी, तो 2 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर की गई। तो रजिस्ट्री घपले में गिरफ्तार नामी वकील कमल वीरमानी की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कोर्ट ने 2 दिन पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। रिटायर IAS अफसर यादव को कोर्ट से जमानत मिली। गैस एजेंसियों ने उत्तराखंड में हड़ताल के लिए चेताया, तो घरेलू सिलेंडर के दाम 200 रुपये कम होने से उत्तराखंड की गैस एजेंसियों को लाखों रुपए का नुकसान हो गया है।
दून में इलेक्ट्रिशियन ने जंगल में दे दी जान, तो नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने पेड़ पर फंदा लाकर जान दे दी। दुराचार के बाद वायरल कर दिए युवती के फोटो, तो प्रेमनगर थाना क्षेत्र में एक युवती से दुष्कर्म करके अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर डाल दिए गए। पुलिस ने इस मामले में 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। प्राथमिक शिक्षक संघ करेगा आंदोलन, तो शिक्षा विभाग की ओर से 5400 ग्रेड वेतन पाने वाले एलटी सहायक अध्यापक और प्रवक्ता संवर्ग के शिक्षकों को राजपत्रित घोषित किए जाने की कवायद से माध्यमिक शिक्षकों में खुशी है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा से जुड़े शिक्षकों ने इसे खुद के साथ भेदभाव करार दिया। आश्रम पद्धति के स्कूल सीबीएसई से संबंध हो। चेक बाउंस के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। जोनसार बाबर के यमुना महासु हरिपुर धाम में बनेगा भव्य आश्रम। कम अंक पर नौकरी अधिक वाले बाहर, तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तंज कसते हुए कहा कि कम अंक लाने वालों को सरकारी नौकरी देने और अधिक वालों को बाहर रखने का हुनर भाजपा के पास है। बागेश्वर के हर व्यक्ति को यह बात पता है। भाजपा को इसी का जवाब उपचुनाव में देने के लिए बागेश्वर की जनता आतुर है। शोध आधारित मॉडल कॉलेजों के विकास को 129 करोड़ रुपए मंजूर हुए। हल्द्वानी में टैंकर हड़ताल से पानी का संकट बढ़ा, तो 2.57 करोड़ बकाया भुगतान करना है जल संस्थान ने। वहीं नैनीताल से खबर आई है, 6 छात्राओं ने देखी सूर्य मिशन की लाइव स्ट्रीमिंग, तो 6 छात्राओं को सूर्य व आदित्य L1 मिशन के संबंध में जानकारी दी गई। रामनगर में बाजार बंद कर किया विरोध प्रदर्शन, तो रामनगर शहर व वन गांवों आदि जगहों पर अतिक्रमण चिन्हित होने से गुस्साए लोगों ने सरकार के खिलाफ जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। सिंधी चौराहा अतिक्रमण मुक्त कराया गया। बीडी पांडे अस्पताल की भूमि पर 27 अवैध भवन चिन्हित किए गए। जसपुर में रेंजर और वनकर्मी पर हमला किया। टैक्सी चालकों ने कल से कुमाऊं में हड़ताल का ऐलान किया, तो सरकार से कोर्ट में पैरवी कर रास्ता निकालने की मांग की गई। भूटिया पड़ाव में महिला ने फंदे में लटक कर जान दे दी। रुड़की में 2 लाख की आबादी ने 3 घंटे बिजली कटौती झेली। रुड़की में डेंगू के 7 और लक्सर में 8 मरीज मिले। वहीं खबर है, मंगलोर से सड़क दुर्घटना में किसान की मौत हो गई। महिला की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, तो लंडोरा क्षेत्र में महिला की हत्या का शव बोरे में रखने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुरानी पेंशन बहाली का को जनसंपर्क किया, चुनाव एक साथ कराने के प्रस्ताव का स्वागत किया। चौपाल लगाकर युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान किया। हरिद्वार से दिल्ली तक जाने वाली 15 ट्रेनें 3 दिन तक रद्द रहेंगी, तो रेलवे ने हरिद्वार से दिल्ली के बीच चलने वाली स्पेशल पैसेंजर ट्रेन सहित 15 गाड़ियों को 3 दिन के लिए रद्द कर दिया है। दिल्ली से चलने या दिल्ली तक जाने वाली कई अन्य ट्रेनों के संचालन में भी बदलाव हुआ है। अगले हफ्ते दिल्ली में होने वाले G20 सम्मेलन को देखते हुए ऐसा किया गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा अब अक्टूबर में होगी। सफाई निरीक्षक के पदों पर 12 तक करें आवेदन, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से सफाई निरीक्षक के 65 पदों पर आवेदन करने की तिथि आगे बढ़ा दिया है। अब 3 सितंबर से 12 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है, जबकि पहले 28 अगस्त को अंतिम तिथि घोषित की गई थी। परीक्षा के लिए 15 तक आवेदन कर सकते हैं दिव्यांग। तो सहायक नियोजन एवं सहायक वास्तु नियोजन परीक्षा के लिए दिव्यांगजनों के लिए आवेदन की तिथि आयोग ने जारी कर दी है। 299 रुपये में 10 लाख रुपये का बीमा कराएं। गैरसैंण में व्यापारियों का जुलूस निकालकर प्रदर्शन, तो अतिक्रमण चिन्हीकरण से गुस्साए व्यापारियों एवं प्रभावितों ने रामलीला मैदान में सभा की और तहसील तक जुलूस निकालकर नायब तहसीलदार के माध्यम से सीएम को 6 सूत्रीय ज्ञापन प्रेषित किया। आज निकलेगा पर्वतारोहण का दल। अगस्त मुनि में व्यापारियों ने बंद रखा बाजार। पौड़ी या में ठगी का आरोपी गिरफ्तार किया गया। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जाँच शुरू हुई। मारपीट में अभियुक्तों को अलग अलग सजा सुनाई। उकरान ने खटीमा और मसूरी कांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 500 से 700 रुपए खर्च कर बंगा पानी के लोग बना रहे हैं आधार। देवीधुरा बगवाल मेले में लोग खूब खरीद रहे हाथ से बने लोहे के बर्तन।
टनकपुर से खबर आई है, एक गुलदार पकड़ने में वन कर्मियों के पसीने छूटे। गजार गांव में अलग है हाईवे का गुलदार। वंचित आंदोलनकारियों को चिन्हित करें। महादेव की नगरी में पार्वती को जिताएं। तो गरुड़ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन के लिए रोड शो किया। सीएम की सभा में भीड़ देख भाजपा ही खुश हुए। चंपावत की तरह बागेश्वर में रिकॉर्ड मतों से होगी जीत। भाजपा राज्य में महंगाई से जनता त्रस्त हुई। 3 सितंबर की शाम से बंद रहेंगी शराब की दुकानें। तो बागेश्वर से खबर है, विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिले की सभी शराब की दुकानें मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व से तथा मतदान गणना के दिन पूरी तरह से बंद रहेगी। काशीपुर में ESI कार्डधारकों ने हंगामा किया। हादसे में नानक माता निवासी NSG कमांडो की मौत। ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकले NSG कमांडो की सड़क हादसे में मौत हो गई। लीसा तस्करी में लॉ का छात्र दबोचा गया। खटीमा में सांप के डसने से 2 की मौत हो गई। कार सवार बदमाशों ने ई रिक्शा चालक को लूटा, 2 गिरफ्तार। तो किच्छा से खबर आई है, रानीखेत का चौपटिया गार्डन हार्डी टूरिज्म सेंटर बनेगा। हल्द्वानी में देह व्यापार पर होटल सील्ड, महिला समेत 5 गिरफ्तार। तो रामपुर रोड स्थित गायत्री होटल में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की टीम ने 1 महिला और 4 पुरुषों को देह व्यापार के आरोप में पकड़ा है। सिपाही को पीटा, आरोपी गिरफ्तार। तो दमुआ डुंगा में ड्यूटी पर जा रहे एक सिपाही को एक युवक ने पीट दिया। आरोपी शहर के एक बड़े नेता को फोन कर उसकी वर्दी उतरवाने की धमकी देने लगा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इंदिरा मार्केट और सिटी पार्क के धीमे निर्माण पर जवाब तलब किया। देहरादून में जुटे योग साधा, कलात्मक योग ने मोहा मंग। नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेजों में कुछ काउंसलिंग का शेड्यूल बदला गया। सीएम के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। कांग्रेस को वोट देना जहर पीना, भाजपा को वोट दो अमृत पियो। तो उपचुनाव देश के प्रदेश का चुनाव, उत्तराखंड के विकास का करेगा बखान। टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स कप का आयोजन 14 से 17 तक होगा। बद्री केदार में 3 पड़ाव भूस्खलन से प्रभावित हुए। पीपलकोटी, जोशीमठ व गौरीकुंड पड़ाव में हुआ नुकसान। गंगोत्री व यमुनोत्री मार्ग पर नहीं हुई क्षति। बाईपास निर्माण को अगस्त मुनि में प्रदर्शन किया गया। 2 बार रात को कैमरे में नजर आया गुलदार। तो टीवी से खबर आई है, माउंट थेलू के लिए आज रवाना होगी NCC या पर्वतारोही दल। फूलों की घाटी के दीदार को पहुंचे 9,505 पर्यटक। नाबालिग साथ सामूहिक दुष्कर्म मुकदमा दर्ज किया गया। SRT के में रिक्त सीटों पर मेरिट के आधार पर मिले प्रवेश। छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बसपा। वहीं खबर है, हरिद्वार से भैंस की पूंछ पकड़कर तालाब पार कर रहे किशोर की डूबने से मौत हो गई। कांग्रेस पार्टी को वोट देना जहर पीना, भाजपा को अमृत। तो मुख्यमंत्री धामी बोले, बागेश्वर उपचुनाव देश के प्रदेश का चुनाव है। कुनबे की सुरक्षा के लिए बागिन 2 वर्ष से बड़े बच्चे को भी रख रही साथ। फेसबुक पर हुआ प्यार, शादी के बाद तकरार, महिला ने दे दी जान। तो हल्द्वानी से खबर है, युवक युवती के बीच फेसबुक पर बात शुरू हुई, फिर दोनों में प्यार हुआ और दोनों हमसफर बन गए। 1 साल पहले शादी कर ली, पति लंदन में नौकरी करने चला गया तो तकरार बढ़ गई। शुक्रवार को महिला ने पति को वीडियो कॉल करने के बाद फांसी लाकर जान दी। उत्तरकाशी से गंगोली वैली ब्रिज पर कल 1 घंटे बंद रहेगी आवाजाही। तो 4 सितंबर को गंगोत्री हाईवे पर स्थित गंगोली वैली ब्रिज पर गुणवत्ता जाँच के लिए पुल पर दोपहर 11 से 12 बजे तक आवाजाही बंद रहेगी। 2025 तक पूरा होगा हैलंग मारवाड़ी बाईपास का निर्माण। लंगासू में शराब की दुकान के 100 मीटर दायरे में धरना प्रदर्शन पर रोक लगाया। चमोली में परिसंपत्तियों और फसलों को हुआ अधिक नुकसान। जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे पर 1 किलोमीटर तक लगा जाम। तो नरसिंह मंदिर बाईपास बंद होने से बड़ा दबाव, दिन भर जूझते रहे तीर्थयात्री। गैड़ गांव में खुलेगा नर्सिंग कॉलेज, चारधाम यात्रा फिर पकड़ने लगी रफ्तार। नई टीवी से खबर है, मारपीट के दोषियों को 3-3 माह की सजा हुई।
आउटसोर्स एजेंसी या में शामिल करने पर किया कार्य बहिष्कार। गैरसैंण महल चोरी या माईथान बाजार बंद तो अतिक्रमण पर कार्रवाई का कर रहे विरोध प्रदर्शन। ऑनलाइन ले सकेंगे सूचना के अधिकार के तहत जानकारी, तो सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय से लोग अब सूचना के अधिकार के तहत ऑनलाइन जानकारी मांग सकेंगे। राशन गड़बड़ी की शिकायत के शिकायतें वाद के रूप में होंगी दर्ज। ऊर्जा निगम के कर्मचारियों ने किया वेतन कटौती का विरोध। एसडीपी क्लब के सदस्य खून देकर मरीजों को उपलब्ध करा रहे प्लेटलेट्स, सरकारी आंकड़े झुठला रहे हैं डेंगू की दस्तक को। अब शहर के होटल धर्मशालाओं में ही होगा कूड़ा निस्तारण, ट्राईसाइकिल का किराया नहीं देने पर की थी महिला की हत्या। रेलवे स्टेशन न टिकट देखने वाला कोई, न संदिग्धों की हो रही है जांच। दोस्ती कर लूटने वाले गैंग का खुलासा, तो हरिद्वार से खबर आई है, एसपी जीआरपीएफ ने किया खुलासा, पतंजलि में इलाज कराने आए बिहार के युवक से की थी लूट। वही खबर है, हरिद्वार से तालाब में डूबने से किशोर की मौत हो गई, एक को बचाया गया। दुष्कर्म के बाद किशोरी गर्भवती आरोपी गिरफ्तार, तो हरिद्वार से खबर है, रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर बिजनौर निवासी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, पीड़िता का मेडिकल कराया गया। दवा कंपनियों को पास करनी होगी परीक्षा। निर्वाचन आयोग की निगरानी में ईवीएम की जाँच कर रहे हैं विशेषज्ञ। सड़क दुर्घटना के 96 पीड़ितों को नहीं मिली सरकार दीजिए पहाड़ पर प्रसव पीड़ा से ज़्यादा सिस्टम का दर्द, तो सरकार की ओर से विकास के दावे तो बहुत किए जा रहे हैं। चंपावत को एनएचएम से मिलेंगे दो विशेषज्ञ डॉक्टर। नल में पानी के साथ कीड़े, लोगों में गुस्सा, तो लोहाघाट से खबर है, नगर के लोगों ने जल संस्थान की कार्यप्रणाली पर जताई नाराजगी। बकरी की जान बचाने के लिए तेंदुए से भिड़ी विनीता, तो नगर पालिका के न्यू सेरा पुनेड़ी वार्ड के सिकड़ानी में विनीता बोरा बकरी को बचाने के लिए तेंदुए से भिड़ गई। महिला की हिम्मत के आगे तेंदुए को भी भागना पड़ा। हमले में बकरी की गर्दन पर 3 घाव हुए हैं। भगवाल मेले में चंद्रायण पूजन हुआ। देवीधुरा मेले में सुविधाओं की दरकरार है। हादसे में घायल दूसरे युवक की भी मौत, तो टनकपुर से खबर है, पूर्णागिरि धाम मार्ग पर बीते शुक्रवार की देर शाम हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल बाइक सवार दूसरे युवक की भी मौत हो गई। वहीं खबर है, थल पिथौरागढ़ से मंदिर के पास पुलिया से गिरकर युवक की मौत हो गई, जिला अस्पताल के पास मिला शव। पुलिस ने चंपावत में 6.75 ग्राम स्मैक के साथ दो को गिरफ्तार किया। एक जिंदगी बचाने और नई को लाने के लिए पहाड़ पर स्वास्थ्य सेवाएं पस्त हैं। बागेश्वर जीतने के लिए सीएम और पूर्व सीएम मैदान में आए। हाईवे पर आया मलबा बढ़ा रहा है लोगों का दर्द। शिक्षा विभाग में कर्मिकों का टोटा, सोचिए फिर काम कैसे होता होगा, तो अल्मोड़ा से खबर, शिक्षा विभाग मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। आलम यह है कि विभाग में मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के 90 पद रिक्त चल रहे हैं, ऐसे में एक मिनिस्ट्रियल कर्मचारी के पास एक से अधिक पटलों का काम है। यह कैसी लाचारी गर्भवती पर पड़ रही है भारी, पार्किंग शुल्क पर भड़के व्यापारी, तो काशीपुर से खबर रही है। पुलिस का बैरियर तोड़ने वाला निकला लॉ का छात्र, तो किच्छा से खबर आई है, अपने दो अन्य साथियों के साथ रानीखेत से ला रहा था लीसा, गिरफ्तार किया गया। जंगल से कब्जा हटाने गई टीम पर हमला किया। दो घरों में ताले तोड़ जेवर और सामान चोरी किए, तो राय